हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज की सुबह की फाइनेंशियल न्यूज़, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़, मार्केट रिलेटेड न्यूज़। तो सबसे पहले सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं। सेंसेक्स 360 पॉइंट और निफ्टी 131 पॉइंट नीचे है। शुरुआत जब निफ्टी ने स्टार्ट किया था उस समय पॉजिटिव था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही वो निगेटिव हो गया और अभी भी वो रेट चल रहा है और देखते हैं कि ये सिलसिला कितने दिन तक चल पाती है। अब ये कहना मुश्किल है कि किस तरह से इकोनॉमी हमारी रिवाइव करेगी। जब तक इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव सिम्टम नहीं दिखते हैं तब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा। इधर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $1 बिलियन दिया है कि वो कोरोना वायरस से लड़ सके, तो एक अच्छी आप कह सकते हैं पहले दुनिया की तरफ से भी इंडिया के लिए। उसके अलावा IT फर्म्स ने पिंक स्लिप देना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो ये एक बुरी खबर है। लगभग 1.5 लाख लोगों को कहा जा रहा है कि पिंक स्लिप मिल चुके हैं। पिंक स्लिप का मतलब ये है कि लोगों की नौकरी जा रही है, एक बुरी खबर है। US में भी अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा है वो एकाएक अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं। इधर योगी जी ने कहा है कि अगर किसी ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस पे हाथ उठाया या अटैक किया उस पे NSA के लॉ लग जाएंगे और ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होते हैं। तो अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि कहीं कहीं ये वारदात हो रही थी, तो एक कह सकते हैं इसका मिसयूज़ भी ना हो और इस तरह से गलत उसका ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर काफ़ी पैनी नज़र भी रखेगी। ये भी एक चीज़ माना जा रहा है स्टडी के थ्रू कि जिसको BCG का टीका पड़ा हुआ है, वैक्सीन पड़ा हुआ है, उसमें कोरोना वायरस की जो अटैक है उसका जो आप कह सकते हैं कि जो क्षमता है झेलने की वो काफ़ी बढ़ जाती है। और देखा गया कि जिस कंट्री में BCG का टीका नहीं पड़ा है वहाँ पे उनका जो पेनिट्रेशन है या उनकी जो COVID-19 की जो क्षमता है बहुत स्ट्रांग है। इंडिया को भी माना जा रहा है कि BCG का टीका होने का भी एक रीज़न हो सकता है, कोई कॉन्क्रीट नहीं है या किस स्टडी है, लोग इसको और अभी रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और इन्फॉर्मेशन गैदर किया, बट स्टडी के हिसाब से ये एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। इधर WeWork की बात करी, WeWork ने जो पीछे कुछ दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, अभी सॉफ्ट बैंक ने ये मना कर दिया कि जो उनके शेयर बाईबैक होने थे वो डील फिलहाल कैंसिल कर दी गई। तो कह सकते हैं कि एक बुरी शुरुआत WeWork के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बड़ा है। इधर कोलकाता के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारा जो GST ड्यू है उसको पे करे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उनका मानना है कि अभी के हिसाब से हमें ये पैसे की ज़रूरत है। GoAir ने अभी जो टिकट क्रेडिट स्क्रीन था उसको 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। इधर IIT रूड़की ने आप कह सकते हैं कि R&D करके एक लो बजट पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आज की डेट में हमें इसकी बहुत ज़रूरत है वेंटिलेटर की इंडिया में, क्योंकि अगर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी उस लेवल की रफ्तार नहीं है जो रफ्तार कही जा रही थी, तो वहाँ पे ये वेंटिलेटर बहुत काम आ सकते हैं। इधर TV व्यू को भी देखा गया कि ड्रास्टिकली इंक्रीज़ किया है, 1.2 ट्रिलियन मिनट पर वीक वॉच हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर है। कहा जा रहा है कि 200% के आसपास का उछाल है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से सबके घर पे बैठा है और टीवी देख रहा है और इस तरह से चीज़ों को वॉच कर रहा है। इधर सप्लाई चेन में अगर बात करें तो 5 लाख ट्रक फंसे होने के कारण बॉर्डर पे, उनके पूरी इंडस्ट्री में सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक तरह से रुका हुआ है, उसकी भी प्रॉब्लम चल रही है और उनका कहना है कि ये लॉकडाउन जब तक खुलता नहीं है तब तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ठीक करना इतना आसान नहीं है। इधर WHO ने ये भी वार्निंग दी कि ये कोरोना वायरस बच्चों को भी अटैक कर सकता है, बच्चों पे भी ये गलत प्रभाव दे सकता है और हो सकता है कि अब उसका भी कहीं रिएक्शन ना दिखे। खैर, अभी के लिए इतना ही, शाम के हम फिर से फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ आएंगे सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।